गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। अभी सुबह के बज रहे हैं अप्रॉक्स 4:30 और रात में काफ़ी ठंड थी। हम लोग बहुत चपक चपक के सोए हैं और अभी हम लोग पूरा गियर अप हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे पीछे बैग है, ये मेरा एक और बैग है और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से यात्रा के लिए। और लाइन जो लगी है यहाँ से गुप्तकाशी के लिए टैक्सी की बहुत लंबी लाइन लगी है। कोशिश करते हैं कि अगर टैक्सी मिलती है तो मिलती है, अदरवाइज हम सभी लोग गुप्तकाशी तक का पैदल जाएंगे, सॉरी गौरीकुंड तक का पैदल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। होली का नाम लेते हुए हर हर महादेव। ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन बहुत लंबे से चली आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए लाइन लगी है और आगे शायद रजिस्ट्रेशन पास चेक करेंगे। जैसा होता है मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। हर हर महादेव। मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेके आएँ, क्योंकि सोनप्रयाग में इस समय जो टेम्परेचर है मॉर्निंग में सुबह का सिर्फ 13 से 14 डिग्री है। अब अगर सोनप्रयाग में इतना टेम्परेचर है तो आप ये सोचिए कि ऊपर कितना टेम्परेचर होगा। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके आइए। और ये जो लाइन दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए लगी है लाइन। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी उठिए। हम लोगों ने 3 बजे उठने का समय बनाया था कि 3 बजे उठेंगे, बट नहीं, थके इतने थे पूरी ट्रैवल से तो हिम्मत नहीं हुई। उठते 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 थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। मगर आप जब भी आएँ, जैसे भी आएँ, अपने साथ कपड़े जरूर लेके आएँ, क्योंकि ठंड बहुत है। अगर आप बच्चे ला रहे हैं तो बच्चों का पूरा इंतजाम करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सडनली तबीयत ख़राब हो सकती है। हमारे ग्रुप में जैसे आपको पता होगा कि गुप्ता जी की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो गुप्ता जी सुबह से थोड़ा सा उनको फिर से लग रहा है, देखते हैं, बने रहिए। और हाँ, ये जो बना हुआ है ये कैम्प, ये शेड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो देखिए, वो जो भीड़ लगी हुई है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। वो जो भीड़ लगी हुई है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर नहीं लेके आए तो। वैसे लेके आए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे वाईफाई जोन भी है और थैंक यू। तो फाइनली इसी तरीके से छुपते छुपाते बैरिकेड्स निकल आए, क्योंकि वहाँ लगते तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और यहाँ से आप देखें, ये जो लाइन लगना शुरू हुई है ये टैक्सी के लिए लगी हुई है। और अब आप विश्वास मानिए, ये जो लाइन लगी हुई है पूरी, ये जो लाइन जाती आ रही है ये टैक्सी के लिए लाइन लगी हुई है। और जिनको 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल नहीं है चलना है, वो टैक्सी करके जाए तो उनको यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। और हम लोग, और इसमें समय लग जाएगा ख़राब, और इसमें जो है टाइम लगेगा कम से कम 3 घंटा। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग पूरा यहाँ से पैदल जाएंगे। और ये देखिए बगल में मंदाकिनी नदी अपनी कलकल कलकल की ध्वनि से मन को प्रसन्न कर रही है। केदारनाथ धाम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। जी हाँ, अभी भी लाइन चल रही है कंटिन्यू, और ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए लगी है। और टैक्सी के लिए ऊपर जाना होगा। यार अभी तो सांस फूलना शुरू हो गई है। चलो चलते हैं। बाकी हमारे ग्रुप के 3 मेंबर आ गए हैं, एक मैं हूँ और एक पीछे है, तो चलते रहिए। और हमारे साथ ही एक छोटा सा डॉगी हमारी यात्रा साथ दे रहा है। यस बेटा, ये यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। और ये है वो पुल मंदाकिनी नदी पे बना हुआ, यहीं से टैक्सी के लिए ही सभी को ले जाने दिया जाएगा। ये देखिए मंदाकिनी नदी और ये पुल। हम लोग पैदल जाएंगे इसलिए लाइन में नहीं लगे हैं। और ये हमारे आगे अमित भाई मेरा टेंट लादे हुए हैं। थैंक यू अमित भाई। एंड चलिए, अच्छा लग रहा है, जोश शुरू होना शुरू हो गया। और ये देखिए
ये जो लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए लगी हुई है, लोग टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। जिनको यहाँ से टैक्सी से जाना है, 6 किलोमीटर चल के नहीं जाना है, उनके लिए ये लाइन थी। हम लोगों को अच्छा ये जो रास्ता जाएगा टैक्सी के लिए है और ये ट्रैकिंग के रास्ता है, तो हम लोग ट्रैक करके जाएंगे। ये रास्ता ट्रैक करके जाना है और इधर से ऊपर से हम लोग ट्रैक करके चलेंगे। ये पुल और ये जो लाइन जा रही है टैक्सी के लिए और हम लोग जाएंगे ट्रैक करके। ये रहा फाइनली ट्रैक शुरू हो गया, हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं और आप विश्वास मानिए वो वहाँ से और उसके पीछे से लाइन लगना शुरू हुई है। ये लाइन आ रही है और यहाँ से टैक्सी बैठा के लेके जा रहे हैं, तो अगर हम लोग लाइन में लगते तो ओवरऑल 3 घंटे से कम ना ख़राब होते। तो इससे अच्छा हम लोग धीरे धीरे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। और हमारे साथ भाई 4 लोग भाई और जुड़ गए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो पार्किंग है, पार्किंग के पीछे से ये लाइन लगी हुई है, ये पूरी लाइन लगी यहाँ तक का सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए, 6 किलोमीटर ना चलने के लिए। इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं, टैक्सी खाली आ रही है। कोशिश करता हूँ कोई टैक्सी वाला रोक ले। भाई एक सेटिंग हो गई टैक्सी वाले, बस आ गया, मान गया भाई, अब बैठते हैं चलते हैं। भोलेनाथ गुप्ता जी को 6 किलोमीटर चलने पर जारी आ गया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टैक्सी में भी ढूंढने जाम 50 रुपये चार्ज है मगर 100 रुपये लिया, कोई नहीं 6 किलोमीटर चलने से बच जाएंगे। इस जगह पे आपको टैक्सी छोड़ देगी और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। लिखा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल मार्ग, एक्चुअली ये 16 किलोमीटर नहीं है जो टैक्सी वाले ने मेरे को बताया, ये एक्चुअली 22 किलोमीटर है। और इस बोर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से 16 किलोमीटर केदारनाथ है, इस बोर्ड का मतलब ये है कि आप भोले का नाम लो और अपने अंदर एनर्जी भरो ताकि आप भोले के दरबार पे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहुंच सको। तो चलते हैं, ये देखिए भीड़, और यहाँ से पैदल मार्च शुरू है और अब हम लोग यहाँ से पैदल पैदल भोले के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और आगे आगे बहुत से अच्छे ऐसे नज़ारे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। ये डंडा है और हम लोगों ने ये एक डंडा लिया है 20-20 रुपए में, इसकी ज़रूरत अभी नहीं लग रही है मगर आगे चल के इसकी ज़रूरत बहुत पता चलेगी और सबको लेना चाहिए। ये ना सोचो कि आप लोग जवान हो मेरी तरह, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको पड़ेगी इसकी ज़रूरत। और हमारे अमित भाई ने भी ले लिया, हमने इनसे कहा 2 डंडे ले लो, इन्होंने कहा एक शिव के लिए एक अपने लिए, देखो एक मेरे लिए इन्होंने ले लिया। थैंक यू अमित भाई। और गुप्ता जी मजा आ रहा, तबीयत ठीक है आपकी? इन्होंने ये सबसे भारी डंडा लिया है, सुनो आगे पता चलेगा इनको। ये जो है एक तरीके से घोड़ा स्टैंड कह लो, जैसे कि कार स्टैंड बाइक स्टैंड होती है, ये घोड़ा स्टैंड है। यहाँ पे घोड़ों का पड़ाव है, सारे घोड़े यहीं पे आके रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग को बहुत ऊपर चलना है। ये घोड़े के लिए रेट लिस्ट है, यहाँ पे घोड़ों की सारी रेट लिखी है और ये रहा घोड़े का काउंटर। आप यहाँ से घोड़ा बुक करके आगे चल सकते हैं, मगर आप आगे चलिए, यहाँ पे रेट फिक्स है, आगे चलिए, घोड़े वाले आपसे बीच बीच में घोड़ा घोड़ा पूछेंगे और आप जो है उनसे बार्गेनिंग करके घोड़ा कर सकते हैं। वो एक तरीके का वेलकम गेट बनाया गया है, जो यात्रा पे आ रहा है उनके लिए एक तरीके से स्वागत किया जा रहा है कि आप
भोलों के दरबार में पधार रहे हैं, इसके लिए हम प्रशासन आपका स्वागत करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ केदारनाथ, मगर मैंने कई वीडियोस में देखा था ये दरवाजा जो था गेट पहले नहीं बना था, ये दरवाजा इस बार बनाया गया है। तो मैं भी आपसे यही शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता चला। जय भोले बाबा। जगह जगह पे इस तरीके के टीन शेड बने हुए हैं, ये इसलिए सांस फूल रही है कि अगर इनके बारिश होती है तो आप इनके नीचे खड़े होकर आराम कर सकते हैं, भीग के तो बच सकते हैं। बाकी रास्तों का ये हाल है, आप देखिए। तो मौसम ठंडा है, चलने में गर्मी आ रही है, अंदर से पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है, मगर बढ़िया है, मजा है। हर हर भोलेनाथ। जगह जगह पर इस तरीके से साइन बोर्ड है, पत्थर गिरने की संभावनाएं हैं, देख कर देना, इनको हल्के में मत लें। मे भी जब आप ऐसे ऐसे निकल रहे हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ऊपर देख के निकले, क्योंकि कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से साइन बोर्ड लगाया गया है। रास्ते में डंडा गिर गया, भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा, भैरव बाबा का मंदिर दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। मेरे बोलने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा सांस फूल रही है। बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। हमारे साथ के दो सदस्य, तीन सदस्य सॉरी, वो देखिए नीचे हैं, थक गए, और वो अभी ऐसे ऊपर से वहां से चढ़ के फिर ऊपर आएंगे। ये भैरव मंदिर है। उत्तराखंड जल संस्थान रुद्रप्रयाग आपका स्वागत करता है, भैरव मंदिर। तो ये भैरव मंदिर है, आप जब भी आए तो यहाँ पे मत्था टेक के आशीर्वाद ले और यात्रा में आगे बढ़े। और ये सुबह की पहली धूप पहाड़ों के बीचों से छनती हुई आ रही है, और ऊपर से वॉटरफॉल गिर रहा है, अगर आपको शो हो रहा होगा तो। और इस तरीके के वॉटरफॉल आपको जगह जगह कई देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बाकी वीडियो से देखा था, ये श्रद्धालुओं की कम खच्चरों की ज़्यादा यात्रा है, यात्रों में आपको खच्चर बहुत मिलेंगे, इनसे थोड़ा सावधानी पूर्वक बच के चलिएगा, वरना ये लोग देखते नहीं हैं कौन आ रहा कौन जा रहा, ठोकते हुए चले जाते हैं। तो प्लीज़ जब भी आए बी केयरफुल। और यहाँ से केदारनाथ बाबा का मंदिर 13 किलोमीटर है, और ये है धूप, सूरज की पहली किरण। नाउ वी आर एट जंगल चट्टी, और ये पहला पड़ाव है यात्रा का, और यहाँ पे GMVM गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, ये जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो ये यात्रा का पहला पड़ाव है, यहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी, और छोटी मोटी मार्केट भी मिलेगी। तो इनके अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है तो आप यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं उनमें आप दिखा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं।
तो ये है जंगल चट्टी और भीड़ देख रहे हैं आप। हाँ अल्टीमेट है। और घोड़ों वालों ने तो नरक कर रखी है, दोनों तरफ से घोड़े चलना दूभर है। ये प्राथमिक उपचार केंद्र, इन केस अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे संपर्क करें। और यहाँ पे हर हर जगह पे फ्री वाईफाई जोन है जहाँ आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आगे देखते हैं। जगह जगह आपको इस तरीके से शॉर्टकट दिखेंगे आपको, ये जो आपको शॉर्टकट दिख रहा है, और या तो आप इसे घूम के जाए। अगर आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए, अदरवाइज मैं सलाह दूंगा कि आप आराम से जाएं, लंबे होके जाएं, मगर शॉर्टकट ना लें। जल्दी मत भागिए, आराम से चलिए, रेस्ट लेके चलिए। अगर आप जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। जी हाँ गुप्ता जी सही कह रहे हैं, जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है, मगर इतना भी रेस्ट मत करिए कि आपको पहुँचने में देर हो जाए। बैठिए आइए फिर चलिए। और आपको जगह जगह पे इस तरीके के पीछे जो स्टॉल मिलते हैं खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी, मगर यहाँ पे खाना लाना थोड़ा सा महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का। नाउ वी आर एट ढीमली और यहाँ दो रास्ते चढ़ जाते हैं, एक रास्ता ये ऊपर से जाता है और एक रास्ता ये नीचे से जाता है। नीचे वाला जो रास्ता है वो चढ़ाई ज़्यादा है, आप ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो आपको लंबा पड़ेगा और थकावट भी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस छोटे वाले रास्ते से जाइए, ये वाले रास्ते, इसमें चढ़ाई कम है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग उस वाले रास्ते जाएंगे, इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अभी हम रामपाड़ा में हैं और जो 2013 की त्रासदी आई थी सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी एरिया को किया था। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ इतने ही पहाड़ हैं, ये पूरा एरिया यहाँ से गायब हो गया था और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी एरिया पर। तो इतने भी निशान दिख रहे हैं आपको जो पहाड़ नीचे दिख रहा है, ये 2013 त्रासदी के निशान हैं। इतने पहाड़ आपके दिख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक बंदर रहा होगा वो 2013 का। मोबाइल से पता नहीं वीडियो में ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मगर ये बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ का वो गिर चुका है 2013 की त्रासदी में। उसके बाद ये रास्ता दोबारा बनाया गया, तो आप सोच सकते हैं उसके बाद ये टेम्परेरी जो पुल बनाए गए हैं के दूर पार करके हमें उस पार जाना है। चलिए और यहाँ पे मंदाकिनी नदी इसके फ्लो में बह रही है, इसका प्रवाह बहुत तेज है आप देखिए। और ये रहा वो मंदिर, लो
इस एरिया को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अब ये नया रास्ता बना है, अब हम लोग इधर से आगे चलो। जस्ट अभी अभी ये शॉर्टकट लिया है जहाँ से ये लोग भाई लोग उतर रहे हैं, ये शॉर्टकट होते हुए वहाँ से होते हुए आए हैं और एकदम खड़ा शॉर्टकट था। हमारे मानू भाई की सांस फूलने लगी, मानू भाई पूरा थक चुके हैं। मानू भाई के साथ थोड़ी प्रॉब्लम भी है मगर मानू भाई हिम्मत वाले हैं। शॉर्टकट लेना अवॉइड करें मगर क्या करें, रास्ता बस जाता है। ये देखिए अब यहाँ से रास्ता थोड़ा इजी है, चढ़ान नहीं है। बाकी वीडियो में बने रहिए, मेरे बोलने के अंदाज से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा हफर है। पूरा एक किलोमीटर का है। कैसा लगा गुप्ता जी? बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आ गया। चलो अभी चलते चलते हम लोग छोटी चिलिंचोली पहुँचे और भाई साहब मौसम तो बहुत अच्छा है मगर थकावट बहुत हो रही है। अभी हम लोग को ये ऊपर जाना है, ये ऊपर जाना है, थकावट बहुत हो रही है भाई, भीड़ बहुत है और घोड़ा कच्चर वालों ने तो नरक कर रखी है। चलते चलते अब जाके बर्फ दिखी है, ये बर्फ का हिमकंड, ये बर्फ है वाइट वाइट स्नो, इसके नीचे से पानी बह रहा है गल गल के। बहुत चढ़ाई है यार, बहुत सांस फूल रही है। अभी हम लोग हैं छोटी नहीं बड़ी लिंचोली में और भाई साहब लास्ट का जो बैच था 1.5 घंटे का जान निकाल लिया है, हिम्मत नहीं है आगे चलने की मगर ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाए नहीं है, बाहर ओवर प्राइस चीज़ें मिल रही हैं, छोटी वाली 12-14 रुपए की जो मैगी आती है उस एक मैगी को दो भागों में काट कर 80-90 रुपए में बेचा है, पूरी मतलब लूट मचा रखी है। ओवर प्राइस बेचो मगर इतना ना बेचो कि श्रद्धालु की जेब खाली हो जाए। हम लोग ने डिसाइड किया है यहाँ रुकते थोड़ी देर, मैगी लाए थे हम लोग, बनाते हैं खाते हैं क्योंकि सुबह जब से निकले कुछ खाया नहीं है, पेट खाली हो चुका है। नंदू भाई हमारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मानू भाई को थोड़ा सा सांस का दिक्कत हो रहा है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, तब तक मैं मैगी लोगों के लिए बनाता हूँ।